हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। दोस्तों, सुबह का टाइम है और अभी सुबह के करीबन 5:30 या 6:45 का टाइम है। अभी बहुत अंधेरा है, तो अभी ठंड के दिन चल रहे तो बहुत अंधेरा रहता है। करीबन 6 बजे 6:30 बजे तक बहुत अंधेरा रहता है। तो मैं देखिए उठ गई हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले पानी वानी पी लेती हूँ, उसके बाद में देखिए मेरी घर की हालत देख लीजिए। तो दोस्तों, ये ब्लॉग मेरा 26 जनवरी के दूसरे दिन का है। तो यहाँ पर मेरे बेटे का था, छोटे वाले बेटे का जन्मदिन 26 जनवरी के दिन पड़ता है उसका जन्मदिन। तो घर का बहुत ही मतलब मेरा घर की हालत ऐसी है कि मैं जो है सुबह सुबह आज मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ा है। वैसे तो खैर मैं 6 बजे उठती हूँ, लेकिन आज जल्दी उठी क्योंकि मुझे घर का सारा काम करना और सब कुछ है। मेहमान आए थे, उन सभी को जो है मैंने खाना पीना बनाया था शाम को, तो सब कुछ ऐसा ही पड़ा है। और ठंड बहुत ज़्यादा थी तो इसीलिए मैंने शाम को जो है काम नहीं किया था जो मुझे अभी करना है वो, क्योंकि मैं रात को कभी नहीं छोड़ती हूँ। लेकिन आज मैंने जो है ठंड के कारण मुझे जो है सब कुछ काम जैसा था वैसा ही मुझे छोड़ना पड़ा। ठंड बहुत ज़्यादा थी तो इसी वजह से तो सबसे पहले पानी वानी पी के चलती हूँ बाहर। तो मैंने बाहर जो है खाना पीना बनाया था शाम को चूल्हे पे, तो चूल्हा का काम अभी करना है। तो देखिए अभी बहुत अंधेरा है, चंद्रदेव अभी है। तो यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ अपनी बाहर, जो कि मैं यहाँ पर खाना पीना बनाया था। तो बाहर की हालत देखिए कुछ ऐसी है। और ये बर्तन की अगर बात करूँ, मैं कभी भी अपने बर्तनों को जूठा नहीं छोड़ती हूँ। पर कल ऐसा हुआ कि जो है मुझे बर्तनों को छोड़ना पड़ा, बहुत ज़्यादा ठंड थी और बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो मैंने सोचा कि इतनी जल्दी तो नहीं धुलेंगे, पर मैंने सोचा तो आज जो है मैं सुबह धोऊंगी, तो इसीलिए मैंने कल रात को ये छोड़ दिए थे। और सच बताऊँ दोस्तों, मैं कभी भी रात को जूठे बर्तन नहीं छोड़ती हूँ। तो चलिए पहले मैं काम कर लेती हूँ, अब जो हो गया तो वो तो जो है अब करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने देखिए सारे के सारे जो है बर्तनों को इकट्ठा यहाँ करके रख दिया। यहाँ पर बाहर ही धुलूँगी, अंदर तो बेसिन में नहीं धुल पाएंगे। और ये चूल्हे के मतलब काले हो जाते बर्तन, तो अंदर तो नहीं धुल पाएंगे, बहुत ज़्यादा काले हैं। पर मैंने इसके अंदर जो है राख आख लगा दी थी, जिसे लेया बोलते हैं, वो मैंने लगा दिया था। पर फिर भी जो है थोड़े बहुत तो काले हो ही जाते हैं, और बेसिन में इतने बर्तन नहीं धुलेंगे, इसीलिए मैं सोच रही बाहर ही धो के रख देती हूँ। तो बर्तन मैंने इकट्ठे कर दिए। और यहाँ पर सबने जो है शाम को दूसरी जगह आग जलाई थी, यहाँ पर सब लोग खाना खाया था बैठ करके, तो इसीलिए यहाँ पर राख वाख पड़ी है। मैं सोची सब कुछ भर के साफ कर देती हूँ तो बाहर अच्छा हो जाएगा, नहीं तो फिर जो भरी और वहाँ मैंने झाड़ू निकाला। और इसके बाद में आगे इधर तो मैंने सोचा चूल्हे की जो है राख आग भर देती हूँ और यहाँ भी बिल्कुल साफ़ कर देती हूँ झाड़ू लगा के। और अगर यहाँ पर जो है चूल्हा अभी जलाना पड़ेगा क्योंकि अभी जो है ठंड बहुत ज़्यादा है, तो मैं सोच रही बर्तन धोने हैं तो उसके बाद में फिर जो है मैं चूल्हा जलाऊँगी। तो इसीलिए मैं सबसे पहले साफ़ कर देती हूँ और फिर मैं धो लेती हूँ थोड़े से हैं ये जो है बर्तन। तो बर्तन भी देखिए ढेर सारे हैं, तो मैं क्या करूँगी ना, राख से मैं बर्तनों को धोऊँगी आज। और राख से बर्तन बहुत ज़्यादा चमक जाते, बहुत ही अच्छे मतलब निकल आते, बहुत साफ़ होते हैं। तो मैं तो अक्सर हमेशा गांव में जो है राख से ही बर्तन धोती थी, थोड़ा सा सर्फ डाल के और राख से बर्तन धोती, बहुत ही अच्छे निकलते थे, साफ़ सुथरे। तो अभी तो जो है बेसन में बर्तन धोते हैं, तो अब तो जो है राख तो उसमें यूज नहीं कर सकते। पर मैं सोच रही बाहर धो रही हूँ तो जो है मैं आज राख से बर्तन धोऊंगी। तो सच में बहुत ही अच्छे बर्तन निकल आते। तो मैं सबसे पहले जो है ढेर सारे बर्तन हैं उनको जो है मैं अच्छे से धो के और रख देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं धो लेती हूँ बर्तनों को।
तो देखिए यहाँ पर मैंने बर्तनों को धो के रख दिया, काफ़ी टाइम लग गया था धोने में। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने जला दिया चूल्हा, तो मैं सोची चूल्हा जल ही गया है तो जो है सब्जी छौंक देती हूँ। तो ये रात की जो है कढ़ाई है, तो मैं सोची इसमें तेल था तो इसी में जो है सब्जी छौंक देती हूँ। तो आलू की सब्जी बनानी है तो मैं सोच रही बना लेती हूँ। और शाम के जो है खाना मतलब कि बचा हुआ है, तो मैं सोच रही उसी से जो है ये सब्जी हो जाएगी। उसी के लिए पूड़ियाँ हैं और चावल हैं, ये सब बचे हुए, तो मैं सोची कि थोड़ी सब्जी बना के रख देती हूँ। तो ये आलू की सब्जी मैं बना रही हूँ, तो झटपट से पहले छौंक देती हूँ। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा सा उजाला हो गया, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, करीबन 7:30 बजने वाले हैं बस। तो मैंने पूरे घर का काम किया, इसके बाद मैंने सोचा चलिए खाना पीना भी बना लेती हूँ। और अभी नहाना धोना तो नहीं हो पाएगा, तो मैं सोची सब्जी वब्जी छौंक दी उस पर बना के, और खाना तो आगे और नहीं बनाना है, तो बस यहीं पर। और आज का ब्लॉग भी मेरा बहुत छोटा सा है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रही दोस्त।